डियर फ्रेंड्स, हम लोग CW के मीटिंग में आए हैं वृंदावन, और हमारे प्रेसिडेंट साहब जगदीश झावर सर इतना बढ़िया कार्यक्रम किए कि इस कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, वो कम है। मैं जानना चाहूँगा अजीत पांडे जी, आपको कैसा लगा कार्यक्रम? जबरदस्त लगा। हमारे जिंदगी में तो पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है अपने CLIA जब से हमारी हुई है 5 साल से, मैं पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा। क्या बात और है? आगे CWA का जहाँ भी कार्यक्रम होगा हमसे तो नहीं छूटेगा, हम श्योर एंड सर्टेन आएंगे। और मैं सबको संदेश देता हूँ कि अगर ऐसा कार्यक्रम हो तो हर CLIA को वहाँ पहुँचना चाहिए। सर, आप अपने बारे में परिचय दें और बताने का प्रयास करें कि आपको कैसा फील हुआ और यहाँ के होटल की व्यवस्था क्या रही, कैसा 5-स्टार होटल रहा और क्या सुविधाएं मिली, क्या ज्ञान मिला। सर, मेरा नाम बलजीत सिंह है, उत्तराखंड से पन्नगर यूनिवर्सिटी, जो आपका नाम सुना होगा, एस पन्नगर ऑफिस से हूँ एस। और यहाँ आकर के मुझे ये महसूस हुआ कि हम लोगों की जो क्षमता है काम करने की बहुत ज़्यादा है एस, हम लोग बहुत कम काम करते हैं, क्षमता बहुत ज़्यादा। यहाँ के लोगों को देखा हमने, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति से मिलने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनसे कभी जीवन में हम सोच भी नहीं सकते कि CWA के एक ही प्लेटफार्म पे हमें जो है देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हर रंग हर जाति के लोग मिले। बहुत खुशी हुई मुझे। यहाँ मेरे साथ पश्चिम बंगाल के लोग भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, पंजाब के भी हैं, हर रंग देखने को मिला। मुझे बहुत खुशी हुई, CWA का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक हमारी यूनिटी, ऐसी यूनिटी है, हमें महसूस हुआ उधर हम लोग एक है और हम लोग इधर रोशनी आ जा रही है, काला हो जा रहा है, और संगठन में शक्ति है। इधर हमारा ये संगठन, हमारा जो अभिकर्ता वर्ग है, ये दबा कुचलाव नहीं है, ये संगठित है। कभी भी अपनी किसी भी समस्या के लिए संगठन के साथ खड़ा होगा, इनकी हर समस्या का साथ देगा। थैंक यू सर। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा सर, आप अपना परिचय दें और किस डिवीजन से हैं, और CWA के कार्यक्रम को आपने क्या फील किया, और आगे इस कार्यक्रम के बदौलत, इस कार्यक्रम के लर्निंग के बदौलत अपने जीवन में CLIA के चैनल से आप क्या मुकाम हासिल करने की अब आपने प्लान बनाया है? मेरा नाम DP असवाल है, मैं नैनीताल ज़िले से, रामनगर एक शाखा है हमारी, उससे बिलोंग करता हूँ। और हम जो है हल्द्वानी डिवीज़न से हैं। हल्द्वानी डिवीज़न से। क्या बात है, वाह। और सर, ये जो CWA का जो कार्यक्रम था, ये अपने आप में एक बहुत सफल कार्यक्रम था। और एक CLI होने के नाते मैं सभी CLI से कहूँगा कि हमें सभी को इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। यहाँ की जो लीडरशिप है बहुत पाक साफ है, उनके हृदय बहुत साफ़ हैं, और वो हम लोगों का 3 दिन में हमने देखा कि लीडरशिप होती क्या है। और जो हमारे CLI साथी हैं, जब भी आगे कभी भी मौका मिले ऐसे कार्यक्रमों में ज़रूर शामिल होना चाहिए। और यहाँ का अगर एक सबसे अगर कहना जाए कि हम क्या लेके जा रहे हैं, हम यहाँ का ऐसी क्या चीज़ है जो इस कार्यक्रम से लेके जा रहे हैं, तो वो ये कार्यक्रम है कि आप ईमानदारी से अगर अपने एक लीडर की तरह कार्य करोगे, देने की अगर गिविंग अगर आपकी आदत रहेगी, हैबिट रहेगी देने की आदत, तो आपको निश्चित रूप से उससे बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अच्छा, एक छोटा सा मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे सर, अगर बाय द वे जो लोग नहीं आ पाए हैं वो कितनी बड़ी मिसिंग किए हैं? देखिए सर, मिसिंग तो हम ये कहेंगे कि भाई कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होता तो मिसिंग होते, लेकिन CWA एक अलग तरह का संगठन है। यहाँ पर क्या है कि केवल हमें ये नहीं कि संगठित होना है, हमें यह है कि हमारा संगठन अगर ज़्यादा कार्य करेगा, अगर हम ज़्यादा काम करेंगे, देखिए उगते सूरज को सलाम है, ये संगठन आपको उगना सिखाता है, ये आपको राइज करना सिखाता है। क्या बात? तो जो लोगों ने इस कार्यक्रम को मिस किया है तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी गति को कहीं ना कहीं अपनी गति को रोका है, ब्रेक दिया। अगर आप ऐसे कार्यक्रम में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गति एक्सेलरेट होगी और आप तेजी से विकास करेंगे। यानी कि उनको अगर अपने बिजनेस में थोड़ा सा ऊंचाई पे जाना है तो ऐसे कार्यक्रम को मिस नहीं करना है। और हम सबके जो संगठन है, CWA का जो संगठन है, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर जगदीश झावर सर का जो प्रयास है, इन प्रयास में उनको कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे आपने कहा, यहाँ पे स्काई इज द लिमिट है। यहाँ अगर पता चलता है, यहाँ आके ये पता चला है कि कैसे CLI है, इतने MDRT पैदा कर रहे हैं, और कैसे वो लोग अपनी अर्निंग को इतना बेहतर कर रहे हैं, कैसे वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं औरों के लाइफ में, ये आकर यहाँ पर जरूर आपको सीखने को मिलेगा। और जब भी आगे, मैं कहूँगा सभी से, CWA के जब भी कोई मीटिंग हो, आप कभी भी कोई मौका ऐसा ना छोड़ें। यस, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे बड़े लीडर और
सर के बारे में सर का परिचय दिया गया कि सर की 2 करोड़ की आपिस है, तो सर अपने बारे में खुद परिचय देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा और हम लोग समझ पाएंगे। सर मैं कल्याणदास अरोरा रुद्र ब्रांच हल्द्वानी डिवीजन से हूँ। यहाँ आकर मैंने क्या देखा है कि मतलब एक स्काई इज द लिमिट, आप कितना जा सकते हैं और हमारे अभिकर्ता लोग किस टाइप से काम कर रहे हैं वो सीखने को मिला। काम तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं पर यहाँ आके मन को लगा कि हमारा जो एक ठहराव हो चुका है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कैसे आगे बढ़ना है वो चीज़ हमें इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिली है। और जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस क्या, लाइफ टाइम आदमी को हमेशा सीखते रहना चाहिए। यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं जो अपने अभिकर्ताओं को बताएंगे, इससे उनका भी भला हो सकेगा। थैंक यू। क्या बात है। और आपके विचार से जो लोग मिस किए हैं या नहीं आए हैं या किसी कारण से उनका छूट गया है CWA का महासम्मेलन, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनको जरूर आना चाहिए था, अगर मिस हुआ तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को तो मिस नहीं करना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? देखिए जी, बिना ज्ञान के ना अंधकार है। वाओ, अंधकार में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा सर। और बिना सीखे आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैं इन्हीं बातों को फिर दोहराऊंगा कि सीखना जीवन में बहुत जरूरी है। मैं करीब दूसरी बार आया हूं मैं CWA सम्मेलन में, और भी ये मैं वादा करता हूं कि जब भी CWA सम्मेलन होगा बाकी अपने साथियों को भी लेके आऊंगा। क्या बात है। बिग एंड फॉर यू। और सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं हम यही कहेंगे कि जिस संगठन के साथ हम जुड़े हैं, इस संगठन से पहले LIC की बात करेंगे, जिस LIC जैसी संस्था विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर हम कह दें तो, और उसके बाद सेवाएं भी, उसके बाद लाखों की संख्या में अभिकर्ता, और उसके बाद फिर जब हमारा अब हम जिस संगठन में हैं, इस संगठन की बात CWA की, तो अभी तक की स्थितियाँ ये थी कि समाज के जो अन्य संगठन हैं उन संगठनों के अन्य तमाम कार्यक्रमों में जाते रहे, तमाम कार्यक्रम देखते सुनते समझते रहे, और लेकिन इस टाइप का कार्यक्रम जो केवल CWA का अपना कार्यक्रम नहीं है, ये समाज को एक नई दिशा देने वाला, समाज को नए लीडर देने वाला, और लीडर की भी यहाँ परिभाषा कुछ अलग, केवल LIC का लीडर नहीं बनाती है, ये व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करती है, आदमी को मतलब वो कहते हैं बंदे को बंदा बना देती है, बेहतर एग्जांपल। सर यहाँ जरूर हम लोग लीडर बोलते हैं CWA के, लेकिन मैंने ऐसा फील किया है कि यहाँ नेतागिरी जैसी कोई बात नहीं है, केवल सीखने सिखाने आगे बढ़ाने और हौसला बढ़ाने और साथ ही साथ बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने की बात होती है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? यहाँ नेतागिरी नहीं, नीतिगिरी है। क्या बात है, नीति सिखाई जाती है सर, नीति। और कुछ लोग अगर गलत फहमी में है कि यहाँ भी नेतागिरी है तो उनके जो बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं जगदीश जी, उनको मैं शत शत नमन करता हूँ उनकी सोच को। उनकी जो सोच है ना बहुत ही विराट है, बहुत आगे की सोचते हैं। उनके लिए, उनके इस प्रोग्राम के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को भी थैंक यू। एक बार हाथ उठा के अभिवादन करके जगदीश सर के लिए, इस CWA के लिए और हम सबके CLIA संगठन के लिए राधे राधे, राधे राधे। क्या बात है, क्या बात है। राधे राधे, श्याम मिला दे। जय श्री राधे।